सीएमओ में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, रालोपा, सीपीएम, सीपीआई, बसपा सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। कोरोना वायरस की महामारी ने ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सर्वसम्मति बनाने की कवायद में जुट गई है, और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को 4 बजे सीएमओ में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, रालोपा, सीपीएम, सीपीआई, बसपा सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सरकार अब इस महामारी से मुकाबले के लिए सभी दलों को साथ लेने की कवायद कर रही है, इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकारी प्रयासों की जानकारी दी, और इस वायरस से मुकाबले के लिए विधानसभा में विपक्ष भी सरकार का साथ देने पर सहमति जता चुका है। वहीं कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय प्रोटोकॉल के मुताबिक बचाव और जागरूकता के प्रयास प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राजस्थान में भी सार्वजनिक जगहों पर 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। लोगों को आपस में मिलते समय सुरक्षित दूरी रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह एडवाइजरी में दी गई है। एक दूसरे से मिलते समय आपस में दूरी बनाए रखने के निर्देश भी एडवाइजरी में दिए गए हैं। वहीं विद्यार्थियों को परीक्षाओं को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया। बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा के दौरान छात्रों के मध्य 1 मीटर और एक सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने के निर्देश भी एडवाइजरी में स्पष्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही एडवाइजरी के अनुसार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को यथासंभव घर से कार्य करने की अनुमति देने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही आमजन से पूर्व नियोजित जो शादियों और समारोह हैं उसमें आगंतुकों की जो संख्या है उसे यथासंभव सीमित रखने और गैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथासंभव स्थगित करने का सुझाव भी दिया गया है। रेस्टोरेंट और होटल ढाबों के प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बार बार छूने वाली सतहों की सफाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। साथ ही 2 टेबलों के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी और सुरक्षित दूरी का फासला रखने एवं ग्राहकों को यथासंभव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे तमाम उपायों के साथ अब अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी जायरीनों की स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे दरगाह परिसर में घूमकर आने जाने वाले जायरीनों की स्क्रीनिंग कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के मुताबिक अभी 2 मेडिकल टीमें दरगाह परिसर में तैनात की गई है। ये टीमें दरगाह में आने और जाने वाले सभी जायरीनों की स्क्रीनिंग कर रही है और उन्हें कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में बता रही है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर पुरातत्व विभाग की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें 2.5 दिन का चोपड़ा भी पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। वहीं अजमेर की ऐतिहासिक बारादरी और दौलतबाग को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अजमेर में फिलहाल कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के भय से जहां देशभर के मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। माता के भक्त कोरोना वायरस से आतंकित नहीं है, ये श्रद्धालुओं की आस्था ही है कि कोरोना से आतंकित हुए बिना इन दिनों हर रोज 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुँच रहे हैं। और एक आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो जनवरी 2020 से लेकर मार्च 15 तक 12,06,714 श्रद्धालुओं ने माता के दर पर माथा टेका है। कोरोना वायरस की आहट कटरा ना पहुंच जाए इसे लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। बाणगंगा मार्ग पर और कटरा हेलीपैड पर थर्मल इमेज स्कैनर उपलब्ध करवा दिए गए। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल इमेज स्कैनर से गहनता से जांच की जा रही है। इसी के साथ राजस्थान में कोरोना वायरस के संदिग्धों का मिलना लगातार जारी है। मंगलवार को भी 3 विदेशी नागरिकों सहित 11 नए कोरोना वायरस संदिग्ध को SMS अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन संदिग्धों में 2 ऑस्ट्रेलिया से हैं, जबकि 1 संदिग्ध जो है वो न्यूजीलैंड का नागरिक है।
सभी के जांच सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। उनकी जांच आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी कि ये लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं या नहीं। इसके अलावा अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त की गई इटालियन महिला को RUHS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इटालियन पर्यटक का उपचार फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। वहीं जयपुर निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग को भी SMS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इटालियन महिला की सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने और उसके बाद तबीयत ठीक होने पर मंगलवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसके पति की किडनी की बीमारी के चलते उसका इलाज अभी अस्पताल में किया जा रहा है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इसके चलते उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है। इसके अलावा कोरोना संदिग्ध 24 वर्षीय एक युवक है जो अभी स्वस्थ बताया गया है, उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में कोरोना वायरस संदिग्ध की संख्या 13 है, जिसमें से 3 विदेशी नागरिकों सहित 11 नए मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है।